जीवन जिया किसको कहा जाए? देखो हम सब जीवन जीते हैं, हर कोई सफल होता है, हर कोई प्राप्त करता है, लेकिन सब कुछ पाने पर भी क्या संतुष्टि रहती है कि जो चाहिए था वो मिला? हमेशा लगता है कि समथिंग इज मिसिंग, हमेशा लगता है सब कुछ पा लिया लेकिन ऐसा कुछ चूक गए हैं कि जो पाना बाकी था। तो जीवन का साफल्य किस बात के ऊपर है, जीवन की फलरूपता किस बात के ऊपर है? देखो मैं अपने प्रवचन में एक प्रसंग हमेशा कई बार कहता हूं कि जीवन की साफल्यता, और वो प्रसंग मुझे भी बड़ा प्रिय है, और इसलिए मुझे प्रिय है कि जब जब भी मैं कहता हूं तो खुद कुछ पाता हूं। आप पाते हो कि ना पाते हो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं पाता हूं, और जब मुझे कुछ ना कुछ उसमें से मिलता है तब कई बार वो प्रसंग मैं कहता रहता हूं, शेयर करता रहता हूं। बोले प्रसंग क्या है, एक बहुत बड़े व्यक्ति एक देश में कहते हैं एक समय ये था कि वो घर में ठेले चलाते, ठेले चला के सब कुछ बेचने के लिए यहां से वहां, यहां से वहां घूमते और सड़कों पे सो जाते और स्ट्रीट लाइट पे ही रह के अपना जीवन जिताते। अब वो व्यक्ति अपने मेहनत से उस देश का सबसे धनिक व्यक्ति हुआ, और इतना धनिक हुआ कि गवर्नमेंट को भी कभी जरूर पड़े तो उसके पास से लोन लेते। अब कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा कि जिसके पास सफलता भी है, गांव में उसकी इज्जत भी है, इतना धार्मिक भी है, सब कुछ उसके अंदर, और सब कुछ वस्तु एक संग बड़ी कम मिले। कहते हैं कि जब उस व्यक्ति का मृत्यु हुआ, उसका इकलौता बेटा उसके शरीर के पास बैठ के फूट फूट के रो रहा था, क्योंकि आज उसने अपना छत्र गवा दिया था, फूट फूट के रो रहा था। और कहते हैं उसी समय उनका लॉयर आया, और लॉयर आके कहा कि देखो तुम्हारे पिताजी ने कहा था कि जिस दिन ये दुनिया में मैं न रहूं, जब मेरा शरीर छूट जाए, जब इस संसार के अंदर मैं न रहूं, तब उस समय मेरे बेटे को आके मेरा विल बताना। बेटे ने सोचा कि इस समय मेरे पिता ने विल किया और अभी बताने को कहा, क्या कहा होगा। और जैसे ही उसने विल खोला उसमें लिखा हुआ था कि एक तरफ मेरी अरबों खरबों की संपत्ति है और इतनी प्रॉपर्टी है, इतनी प्रॉपर्टी है कि तू कुछ भी करे भी ना बैठे रहेगा तो भी 71 पेड़ी तक तेरी जाहो जलाली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतनी संपत्ति। और एक तरफ मेरी एक डायरी है कि जिस डायरी के अंदर मैंने कुछ 10-15 ऐसे सूत्र लिखे हैं कि जिन सूत्र के ऊपर आचरण करके एक सड़क पे रात बिताने वाला व्यक्ति इस देश का सबसे सफल इंसान बना। और जिस दिन इस दुनिया में मैं न हूं, मेरे बेटे को कहना कि एक तरफ तेरे पिता की अरबों खरबों की प्रॉपर्टी ये संपत्ति, और एक तरफ तेरे पिता के अनुभव की ये छोटी सी डायरी जिसमें 10-15 सूत्र लिखे हैं। यदि मेरा बेटा ये डायरी लेने को तैयार हो तो मेरी सारी प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दी जाए, और यदि मेरा बेटा ये प्रॉपर्टी लेने को तैयार हो तो मेरी डायरी ले जाके समुद्र में डाल देना, दोनों में से एक देना। बेटा विचार करने लगा, एक तरफ अरबों खरबों की संपत्ति इतनी प्रॉपर्टी और एक तरफ मेरे पिता की डायरी, ये संपत्ति लेता हूं तो डायरी समुद्र में डाल देंगे और डायरी लेता हूं तो ये संपत्ति सारी चैरिटी में। उसने कहा कि एक बार क्या मैं डायरी खोल के पढ़ सकता हूं? वकील ने कहा ठीक है आप पढ़ सकते हैं, और पढ़ के आप निश्चित करो आपको क्या चाहिए। और जब उसने डायरी खोली उसके अंदर 10-15 बिल्कुल सीधे साधे सूत्र, न कोई कॉम्प्लिकेशन, न कोई अगरी बात, न कोई मुश्किल बात, बिल्कुल छोटे छोटे सूत्र लिखे हुए हैं, और ये सूत्र ऐसे कि जिसपे आचरण करके पूरा भाग्य बदल जाए। जब उसने डायरी खोली तो उसके अंदर पहला सूत्र लिखा था कि देख बेटा, जीवन में जब भी तू कहीं बाहर जाए और कोई उत्तम पुस्तक तुझे मिले या लगे, तो चाहे तुझे लगता हो कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, फिर भी उसे बसाना, क्योंकि जीवन की कोई ऐसी घड़ी आएगी कि जिस समय तेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई न होगा, और हो सकता है तू उसका पेज खोले और तेरे मन का प्रश्न का उत्तर उसके अंदर हो। दूसरा कहा कि देख बेटा, आज मैं बड़ा दुखी था, आज मुझे बड़ी तकलीफ थी, उस समय उसने लिखा था अनुभव, और एक वस्तु मैं आज तुझे बेटा कहूंगा कि जीवन में किसी के भी प्रति कभी भी आशा मत छोड़ना, दुनिया में चमत्कार होते रहते, कभी भी अपनी हताशा में मत आना, दुनिया में घटनाएं घटती रहती है, चमत्कार होते रहते हैं, हमेशा आशावान रहना कि होगा होगा।
और जहां आशावान रहेगा तेरा कार्य भी होगा। तीसरी वस्तु कही कि देख बेटा, जब तू बड़ा हो और कोई भी कार्य करे तो कार्य खाली पूरा करना है, उसके लिए कार्य मत करना, लेकिन ऐसे करना कि जितना भी करूंगा ऐसे करूंगा कि जो दुनिया में और कोई कर नहीं सकता। काम श्रेष्ठता के लिए करना, पूरा करने के लिए नहीं। आगे चौथी वस्तु कही कि देख बेटा, जिस समय तुझे लगे कि ये काम मुझसे जरा सा ही होगा, ज्यादा नहीं होगा, तब जरा सा भी कर लेना। जब तुझे लगेगा कि मैं ज्यादा नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा भी करना। आगे उसने लिखा कि देख बेटा, याद रखना, जीवन का सबसे अधिक समय तू जिस स्थान पे बैठता हो तो तेरी आंखों के सामने ऐसा कोई चित्र या ऐसा कोई सूत्र रखना कि जो तुझे सतत प्रेरित करता है। और ये प्रयोग इतना प्रबल है, आप 5-6 दिन करके देखना। उसने कहा कि देख बेटा, एक वस्तु याद रख, जीवन के अंदर तू सभी के लिए दौड़ रहा है, सभी के लिए भाग रहा है, लेकिन अपने परिवार को और अपने निकट के लोगों को बार बार अपने शब्दों द्वारा और स्पर्श द्वारा ये जताते रहना कि तुझे उनकी फिक्र है। कई बार बाहर भाग भाग के हम उन्हीं को निग्लेक्ट कर देते हैं कि जिनके सहयोग के कारण अपन बाहर भाग सकते हैं। देख बेटा, ये वस्तु बड़ी महत्व की है। कहीं सब कुछ पाने के लिए उन्हीं को मत गवा देना कि जो तेरे लिए घिस रहे। बार बार अपने द्वार शब्दों के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा उनको जताते रहना कि तुझे उनकी कदर है, फिक्र है। मैं हमेशा कहता हूं, देखो, इस दुनिया के अंदर हर एक व्यक्ति है ना, वो जगलर है और जगलिंग करता रहता है। आपने सर्कस में जगलर देखा होगा ना, जो 5 बॉल लेके उछालता रहता है। तो यहां हम सब जो जो भी मनुष्य इस दुनिया में है वो सब जगलर है, और हर एक के पास 5 बॉल हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि 3 बॉल रबर की हैं और 2 बॉल कांच की हैं। रबर की बॉल हाथ में से छूटी तो नीचे गिर के वापस हाथ में आएगी, लेकिन कांच की बॉल छूटी तो हाथ में आने वाली नहीं है। और ये 5 बॉलों से हम कोई हर कोई जगलिंग कर रहे हैं, उसमें संपत्ति, प्रॉपर्टी, वो भी रबर की बॉल, छूटी हाथ में आ जाएगी। अपने मित्र, वो भी रबर की बॉल, छूटी हाथ में आ जाएगी। आपकी संपत्ति या आपका यश छूटा हाथ में आ जाएगा, लेकिन अपना स्वास्थ्य और अपना परिवार, ये 2 कांच की बॉल जो एक बार हाथ में से छूटी वापस आने वाली नहीं है। और ये 3 रबर की बॉल संभालने के लिए हम हमेशा वो 2 कांच की बॉल की आहुति दे देते हैं। रबर की बॉल हाथ में से छूटी तो फिर से हाथ में आ जाएगी, लेकिन वो संभालने के लिए जो ये कांच की बॉल छूटी, फिर हाथ में आने वाली नहीं है। और सब कुछ पाने के बाद भी, सब कुछ मिलने के बाद भी, आज देखो इतना दौड़ते हैं। आज भले अपन कोई कहे, क्यों करते हो, क्यों भागते हो, बोले परिवार के लिए। लेकिन आपने कभी, अपन ने कभी परिवार से पूछने की इच्छा करी है कि उनको क्या चाहिए? क्या वो चाहते हैं कि अपन भागते रहे? और कई बार मैं तो हमेशा कहता हूं, एक प्रसंग मैंने सुना था ना, तब मेरे मन को बहुत स्पर्श गया। और वो प्रसंग कुछ ऐसा था, एक व्यक्ति का। हमेशा अपन कहते हैं कि आज भागेंगे तो कल शांति से रह पाएंगे, आज दौड़ेंगे तो कल आराम से जी पाएंगे, आज ये सब नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? और मैं जो परिवार के लिए तो कर रहा हूं, आज समय नहीं दे पाता, लेकिन सब कुछ सेट हो जाएगा, बाद में समय दूंगा, बाद में उनके संग बैठूंगा, बाद में बात करूंगा। लेकिन बाद में करते करते मैंने प्रसंग सुना था, मुझे कल्पना करना कि इसकी जगह अपन हो तो क्या हो। व्यक्ति जब सुबह जागा और जागते ही उसने घड़ी देखी, घड़ी में 10 बज गए थे। और वो व्यक्ति ऐसा कि 7 बजे उठ के 8 बजे तो ऑफिस पहुंच गया हो, और जहां 10 बजे हुए थे उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगा, मुझे कोई जगाने के लिए भी नहीं आया, और मैं तो अलार्म लगा के सोया था, लेकिन मैं जगा क्यों नहीं? जहां 10 बज गए, उसका नियम था, साथ में न्यूज़पेपर पड़ा हुआ था, और जैसे ही न्यूज़पेपर उसने देखा और न्यूज़पेपर खोला तो उसमें मृत्यु के कॉलम में उसका फोटो छपा हुआ था। और जहां उसका फोटो छपा हुआ था, वो चौंक गया कि ये न्यूज़पेपर वाले कैसी गलती करते हैं, मैं यहां हट्टा-कट्टा बैठा हुआ हूं और ये न्यूज़पेपर में मेरे मरने का फोटो कैसे है? श्रद्धांजलि सभा कैसे हो सकती है?
भागते भागते बाहर गया कि घर में आज कोई दिख क्यों नहीं रहा, लेकिन बाहर से रोने का आवाज आ रहा था। व्यक्ति चौंक गया कि क्या हो रहा है, मैं तो यहां घर के अंदर बैठा हूं, मैं तो घर में बैठा हूं रूम में, लेकिन बाहर से रोने का आवाज क्यों आ रहा है। और जैसे ही उसने किवाड़ खोला तो क्या देखा, सामने उसकी शरीर पड़ा हुआ है। सारे घर के लोग वहां बैठ के रो रहे हैं। वो सोचने लगा, अरे मैं तो यहां हूं, मैं तो जीवित हूं, मेरा शरीर कैसे पड़ा है। सबको कहने लगा, अरे मत रो, मैं यहां हूं, मैं मत रो, मैं यहां हूं। लेकिन आज उसकी बात न कोई सुन रहा है, न ही उसे कोई देख रहा है। वो सोच रहा है कि क्या हो रहा है। उसने याद किया कि जब कल रात को मैं सो गया था, मुझे हल्का हल्का पेन हो रहा था, लेकिन फिर तो बहुत एक परम शांति की नींद आ गई, मुझे बताना चला क्या हो गया, लेकिन ये क्या हो रहा है मेरे संग, मेरी पत्नी मेरे बच्चे कहां हैं। लेकिन देखा तो आज सभी लोग आए हैं, उसके पास मायूस खड़े हुए हैं, सबके संग उसके रो रहे हैं। वो एक एक को कह रहा है कि मैं जीवित हूं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं यहां हूं तुम्हारे सामने। लेकिन आज उसको कोई सुनने को तैयार नहीं, आज ना उसे कोई देख रहा है। उसने सोचा मेरी पत्नी मेरे बच्चे कहां होंगे। लेकिन उसकी मृत्यु के कारण उन्हें कोई अंदर कमरे के अंदर ले जाया गया। वो कमरे में भागता भागता गया, उसकी पत्नी फूट फूट के रो रही है, फूट फूट के रो रही है, रोते रोते उसकी आंखें सूज गई हैं, छोटे छोटे बच्चे वहां रो रहे हैं, उनको पता नहीं कि क्या हो गया है। लेकिन अपनी माँ को रोते हुए देख के आज बच्चे भी रो रहे हैं, और वो कहता है, अरे मत रो, मैं तुम्हारे पास हूँ, मत रो, मैं तुम्हारे पास हूँ। लेकिन आज उसकी बात न कोई सुन रहा है, न उसे देख रहा है। वो प्रभु से विनती करता है कि हे प्रभु, दो मिनट के लिए मुझे जीवन दो, दो मिनट के लिए मुझे जीवित करो, कि मैं अपनी पत्नी से अपने बालकों से कह सकूं कि मैं भी उन्हें प्रेम करता हूं। पूरी जिंदगी भागता रहा, लेकिन जिन्होंने मेरे लिए इतना किया, दो मिनट मुझे कहने का समय भी नहीं मिला कि मुझे भी उनकी फिक्र है। वो तो यही सोचते रहे कि हमारी फिक्र ही नहीं है, पूरा दिन बाहर घूमते रहते। दो मिनट प्रभु मुझे दे दो, दो मिनट का जीवन दे दो, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं। और जब बाहर आके देखा तो क्या देखा, उसके वृद्ध पिता रो रहे हैं, माता रो रहे हैं, और जो पिता उसे बार बार डांटते रहते थे, बार बार टोकते रहते थे, लेकिन आज सबसे दुखी उन्हीं को देखा। और जब सबसे दुखी उन्हीं को देखा तो उसको लगा कि मुझे लगता था कि हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, मुझे हमेशा कहते रहते हैं, लेकिन आज मैंने देखा कि सबसे अधिक फिक्र मेरी उन्हीं को थी। और जब उनकी आंखों में आंसू देखा तब पहले तो बोलने का व्यवहार भी नहीं रहा था कि मेरे लिए ऐसा करते हैं, मुझे नहीं मानते, लेकिन अब जब उसने देखा कि उसके पिता को भी इतनी फिक्र है, और वो कहने लगा कि मैं बिल्कुल संबंध बिगाड़ चुका था, संबंध मेरा नहीं रहा था, हे प्रभु दो मिनट तो मुझे दे दो कि उनसे कह सकूं कि मेरे हृदय में भी इतना भाव है, मेरे हृदय के अंदर भी इतनी प्रीति है। लेकिन आज उसकी सुनने को कोई तैयार नहीं है। और जब एक एक लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, दूर दूर से एक लोग मिलने आए हैं, और उस समय उसने वहां खड़े हुए एक व्यक्ति को ऐसे देखा कि जिसके संग उसके बोलने का भी कोई व्यवहार नहीं रहा था, लेकिन एक जमाने में बड़े अच्छे मित्र थे। लेकिन उस व्यक्ति को भी आज यहां आके जब रोते हुए देखा तब उसे पता चला, देखो ये मेरा अहम था कि मुझसे बात भी ना कर पाया, लेकिन देखो आज भी उसके मन में मेरे लिए इतना प्रेम है। और जब उसको रोते हुए देखा, कहा प्रभु दो मिनट के लिए मुझे जीवन दो, दो मिनट के लिए जीवन दो, कि जाके मैं उसको भी अपने हृदय से लगा रखूं। आज पूरा जीवन मैंने गलत फहमी के अंदर व्यतीत कर दिया, खूब रोया खूब रोया, लेकिन आज उसकी सुनने वाला और कोई नहीं था, आज उसकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं था। रोते 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 रोते, हे प्रभु एक अवसर दे दो, हे प्रभु एक अवसर दे दो, मैं अपने बच्चों को गले से लगा लूं, मैं अपनी पत्नी को कुछ कह दूं, मैं अपने माता पिता से बात कर लूं, मैं अपने मित्रों से बात कर लूं। रोता रहा तड़पता रहा, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। और वहीं अचानक उसकी पत्नी ने आके उसे जगाया, तब उसे पता चला कि ये तो स्वप्न था। और तब उसने अपने पत्नी को भी हृदय से लगाया, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हृदय से लगा के खूब रोया, अपने माता पिता के चरणों को पकड़ के खूब रोया, जिस मित्र के संग संबंध बिगड़ा था उसके घर जाके उसको हृदय से लगा के उससे माफी मांगी। तो देखो ये अवसर उसको तो मिला था, पर हमें भी मिलेगा ये नक्की नहीं है, ये चांस हमें भी मिल सकता है ऐसा नक्की नहीं है। तो जीवन में जो अवसर मिला है, जीवन की जो क्षणें अपने पास हैं, उन क्षणों को व्यर्थ क्यों बिताएं? जीवन की जो घड़ी है, वो घड़ी के अंदर
क्यों ना उनको अपने मन की बात भी करें कि जो अपने हैं, क्यों ना उनके लिए भी जीवन जिए जो अपने हैं, आगे किसने देखा। और इसलिए तो कहा आगे बेटा एक वस्तु याद रखना, जो जो ग्रंथियां खुल सकती हो उन्हें बंधी हुई मत रहने देना, चाहे वो गैर समझ की ग्रंथि हो, कोई भी ग्रंथि हो, जो ग्रंथि खुल सकती हो उसको बंधी हुई मत रहने देना। और वो सामने से आवे इसकी राह मत देखना, तू सामने से जाना बेटा। क्योंकि देखो आज दुनिया कैसी है, आज व्यक्ति ने इतनी प्रगति कर ली कि हम ट्राई करते हैं कि मार्स के अंदर मंगल में जीवन है कि नहीं उसकी फिक्र है। आज मंगल में जीवन है कि नहीं उसकी फिक्र तो है, पर जीवन में मंगल रहा है कि नहीं इसकी फिक्र नहीं है। आज अपन इतने विकासशील हो गए, आज इतने डेवलप्ड अपन हो गए कि कांटेक्ट कर रहे हैं कि कैसे करके एलियन से कांटेक्ट करें, पर ग्रहवासी आज करोड़ों रुपए अपन खर्चते हैं कि एलियन से अपन कांटेक्ट कर सकें, लेकिन अपना ही कोई परिवार जन छोटी सी ग्रंथि को लेके अपने से नाराज होके बैठा है, उसका सामने से कांटेक्ट करने का ट्राई कभी किया। अपना ही भाई यदि कोई ग्रंथि के कारण नाराज होके बैठा है तो कभी सामने चल के उससे मिलने के लिए गए हैं, उसका संपर्क करने का प्रयत्न किया है? अरे ये ग्रंथियां कब तक लेके घूमनी है, ये गैर समझ की ग्रंथियां कब तक माथे पे वजन रोक के घूमोगे, कब तक उठाओ। वो नहीं, वो बच्चा था और टीचर ने स्कूल में बच्चों से कह दिया कि देखो एक होमवर्क तुमको देती हूं, तुम जितने जितने लोगों से नफरत करते हो इतने पोटेटो लेके आना और उन पे उनका नाम लिखना। कोई 10 लेके आया, कोई 15 लेके आया। बोले मुझे मम्मी भी डांटती है, मेरे फादर भी डांटते हैं, मेरे वो भी डांटते हैं, सबके नाम। टीचर ने कहा जिन जिन से नफरत करते हो एक एक पोटेटो में उनके नाम लिखो। सबने नाम लिखे। बोले अब क्या करना है? बोले 7 दिन तक एक झोले में भर के अपने कंधे पे 24 घंटा रखना है। बच्चे कहने लगे 24 घंटे तक इतना भार? 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, कंधे दुखने लगे, इतनी थकान होने लगी, और 3-4 दिन के बाद तो आलू बिगड़ने लगे, उसकी खराब स्मेल उसकी आने लगी। लेकिन टीचर ने कहा था तो 7 दिन तक सबने उठा के रखा, और 7वें दिन टीचर के पास आए और झोला जहां रखा सभी को इतनी शांति मिली, इतना संतोष हुआ। टीचर ने कहा कैसे लग रहा है? बोले बड़ी शांति मिल रही है, आपने ये भार उठाने को कहा, 7 दिन तक भार उठा के घूम रहे थे। टीचर ने कहा सिर्फ जिनको नफरत करते हो उनका भार सिर्फ 7 दिन उठा के घूमे तो भी तुम्हारी ये दशा है, पर दुनिया में ऐसे कई लोग हैं कि पूरी जिंदगी ये भार उठा के घूमते हैं। ये भार कब तक उठाना है, ये भार कब तक उठा घूमना है, ये भार को छोड़ो, भार को रखो। देखो मैं तो हमेशा कहता हूं और खुद इस पे बिलीव करता हूं और खुद अभ्यास करता रहो, पाया ऐसा नहीं कहता, अभ्यास करता हूं। अभ्यास ऐसे करता हूं कि जब सुबह उठो तो विचार करो कि आज का दिन मेरा आखिरी दिन हो सकता है, तो विचार करो अपना उत्तम से उत्तम क्या दो, अपना उत्तम से उत्तम क्या दे मैं। और ये विचार करो कि जब किसी के संग दुनिया में व्यवहार करो तो विचार करो कि जैसे आज का दिन मेरा अंतिम दिन हो सकता है, ऐसे आज का दिन यदि उसका भी अंतिम दिन हो गया और मुझसे ऐसा कुछ बोल दिया गया तो उसके ऊपर क्या बीतेगी और क्या मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगा। और मैं तो हमेशा जब भागवत भी होता है तो 2 शब्द हमेशा कहता हूं मैं। देखो कुछ भी अपन श्रवण करने के लिए भागे, कुछ भी अपन श्रवण करें, श्रवण तो अपन बहुत दुनिया में करते आए हैं और श्रवण बरसों से करते आए हैं। श्रवण किया सार्थक तभी होता है कि जब निश्चय करें कि इस दुनिया में यदि किसी ने अपना अहित किया है तो आज सत्संग में आके भार उतार के जाना है। तो नक्की करो यदि दुनिया में जाने अनजाने में किसी ने अपना अहित किया है तो आज हमारे हृदय से उसको क्षमा कर रहे हैं, आज हृदय से हृदय पूर्वक क्षमा कर रहे हैं। और यदि अपने द्वारा किसी को पीड़ा हुई है तो निश्चय करो हृदय पूर्वक उसकी माफी मांगेंगे। ये 2 वस्तु यदि जीवन में आ जाए तो आपको लगेगा कि जीवन का सब भार उतर गया। ये सारे भार अपन ने ढोए इसीलिए, जीवन में नौका डूबती है इसलिए क्योंकि भार ज्यादा होता है। भार कम करो और भार कम होए तो अपने आप सहजता हो जाती है। और आगे कहा कि देख बेटा एक वस्तु याद रखना, जीवन में
जब तेरा ब्याह होगा तो ब्याह में दो वस्तु महत्व की है, एक उत्तम पात्र मिलना और दूसरा उत्तम पात्र बनना। मिलने की कामना सब करते हैं पर बनने की नहीं। आगे कहा, देख बेटा एक वस्तु और याद रखना कि जब तू सफलता के परम शिखर के ऊपर हो, पूरी दुनिया में तेरी वाहवाह हो रही हो, पेरे पूरी दुनिया में तेरे गुणगान हो रहे हो, लेकिन लोगों के सर्टिफिकेट से तेरे जीवन का मूल्यांकन मत करना। अपने आप का मूल्यांकन इस बात के ऊपर करना कि जब तेरे बालक बड़े हों और जब प्रमाणिकता की बात आवे, नीति की बात आवे, और तेरे बालक और किसी को याद ना करके तुझे याद करें कि हमारे पिताजी ये करते थे, तब मानो ये जीवन अच्छा जिया है। जीवन में सच्चा सर्टिफिकेट ये है। और देख बेटा, जब तू जीवन के परम शिखर के ऊपर होगा तो अपने प्रॉपर्टी के कागज के ऊपर, अपने बैंक बैलेंस के आधार पे, तेरी संपत्ति के आधार पे, कितना इनकम टैक्स भर रहा है इसके आधार पे अपनी सफलता का मूल्यांकन मत करना। तेरी समालता का मूल्यांकन इस बात पे होना चाहिए कि जिस समय तूने सब कुछ पा लिया तो सब कुछ पाने के बाद तेरे निकट के लोगों के संग तेरे संबंध कैसे रहे हैं इस बात पे। क्योंकि इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है अपने निकट के लोगों से दूर होता जाता है। तो अपनी सफलता का मूल्यांकन इस बात के ऊपर करना कि सब कुछ पाने के बाद, सब कुछ पा लेने के बाद तेरे निकट के लोगों के संग तेरे संबंध कैसे रहे। और इस बात के ऊपर जब तू मूल्यांकन करेगा तब तुझे पता चलेगा कि जीवन में तूने क्या पाया है और जीवन में तूने क्या खोया है। और यदि ये सब कुछ पाएगा, ये सब का बैलेंस करेगा, और दूसरी वस्तु कही कि देखो एक वस्तु और याद रखना, जीवन में अपने आप को रोज बेहतर बनाने का प्रयत्न करना। अब अपन अपनी प्रोफाइल अपग्रेड करते रहते हैं, वेबसाइट अपग्रेड करते रहते हैं, पर अपने आप को अपग्रेड करने का कोई प्रयत्न किया है? जो व्यक्ति जैसा हो उसको संतोष हो जाए, उसकी विकास अटक जावे। रोज कुछ नया सीखो, रोज कुछ नया पाओ। और कहा कि देख बेटा, सब कुछ कहने के बाद कहा एक वस्तु और ध्यान में रखना, अपनी आजीविका के लिए जो भी कोई कार्य करता हो उसको इतने ही सम्मान से बात करना जितने तू बड़े लोगों से बात करता है। बोले क्यों? क्योंकि वो भी वही कार्य कर रहा है कि जो कार्य तू बड़े लेवल पे कर रहा है। जैसे वो भी अपने परिवार के लिए भाग रहा है वैसे तू भी भाग रहा है। तो यदि उनको सम्मान देना सीखेगा तो सम्मान पाएगा। We cannot demand respect, it should be gained. आप दोगे तो वापस मिलेगा। और देखो दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ना, तो वो प्रेम का है। दुनिया में कहीं भी इन्वेस्ट करोगे तो फंसोगे, लेकिन प्रेम का इन्वेस्टमेंट ऐसे है, एक बार दुनिया में प्रेम दे के देखो 100 गुना नहीं 1000 गुना होके दुनिया में से वापस मिलेगा। 1000 गुना होके वापस मिलता। और आखिरी में पिताजी ने कहा कि देख बेटा, ये दो वस्तु बोलने में कभी भी अपने आप को छोटा महसूस मत करना। दो शब्द कहे बहुत छोटे से हैं लेकिन इतने मुश्किल हैं कि बड़े बड़े ज्ञानियों के बुक से भी निकलते नहीं। बोले कौन से दो शब्द? बोले पहला ये शब्द कि मुझे माफ करो, मुझसे भूल हुई। छोटा सा वाक्य है लेकिन बहुत अगरा है, जल्दी निकलता नहीं। और दूसरा कि ये वस्तु मुझे नहीं आती। ये दो वस्तु बोलने की क्षमता और ये दो शब्द बोलने की हिम्मत जिसके अंदर आ जावे वो कभी भी व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता और उसका इस संसार में कोई वैरी नहीं हो सकता। लेकिन ये दो वाक्य छोटे से इतने बड़े हैं कि सब कुछ कहने के बाद अंत में ये दो वाक्य अपन को कहे गए। इसलिए कह दिया कि देख बेटा, ये वस्तु सुनेगा तो सब कुछ पाएगा। और कहते हैं कि जब ये डायरी बेटे ने देखी उसकी आंखों में अश्रु आ गए। उस डायरी को हृदय से लगाया, अपने माथे से लगाया और लॉयर से कह दिया कि मेरी सारी संपत्ति जो पिता की है वो सब चैरिटी में दे दो, क्योंकि मेरे लिए मेरी सच्ची संपत्ति है तो मेरे पिता की डायरी है। ये डायरी है तो मैं सब कुछ वो पाऊंगा। और कहते उस डायरी के ऊपर अमल करके 3 वर्षों में उसने वो सब कुछ पा लिया कि जो उसके पिता ने चैरिटी में दे दिया। जीवन में कई बार बड़े बड़े उपदेश काम में नहीं आते, एक छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे सूत्र, ये छोटी छोटी जीवन दिखाने वाली दृष्टियां जब अपन को मिलती जाएं,
और जीवन के अंदर परिवर्तन आता जाए, और जीवन में ये सभी वस्तुओं का बैलेंसिंग जब हो जावे तब वो जीवन का साफल्य है, तब वो जीवन की सफलता है।